ओके फाइन, शुरू करते हैं। तो हम थे बिल्कुल एंड में कि जब ये कोट एंड में पहुंचेगा तो ये 80 को कॉपी कर देगा एक्स में और फिर एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। प्रिंट करवाने के बाद ये जब दोबारा से इटरेशन के ऊपर आएगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पे था, यहाँ से आगे अब चूंकि जो एरे है वो खत्म हो चुका है, तो इसके बाद अब इसकी कोई इटरेशन फॉर के लूप की पॉसिबल नहीं रहेगी। इसने एरे की जितनी भी वैल्यूज थी उनको वन बाय वन, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वन बाय वन उसने इटरेट कर लिया। तो इसके बाद अब चूंकि आगे एरे खत्म हो गया तो इसकी वजह से मजीद इटरेशन पॉसिबल नहीं रहेगी, तो ये अब कोड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से ऑनवर्ड आगे एग्जिट कर देगा। अब इस ITER वाले फंक्शन का, जो कि एरे का एक काइंड ऑफ ए फंक्शन कह लें आप, जो कि बिल्टन है रस्ट के अंदर डिफाइन हुआ है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इसकी मदद से हमने क्या किया, ये एक मेथड है एक्चुअली, हम खैर आगे जाके डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इसकी मदद से हम अब हम एक एरे की पांच एलिमेंट्स हों, पांच मेंबर हों, पांच उसके अंदर वैल्यूज हों, 50 हों या 500 हों, ठीक है, हमें इस कोड को नहीं छेड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसके अंदर दो और डाल देता हूँ, ठीक है, तो मैंने सिर्फ वहां पे वैल्यूज ऐड की हैं, नीचे फॉर के लूप को छेड़े बगैर मैं जाता हूं अपने टर्मिनल विंडो में, क्लियर किया। और जब इसको चलाया तो देखें अब इसने अगले दो जो वैल्यूज हैं उनको भी इस इटरेशन में इंक्लूड कर लिया। तो ये क्या करेगा कि ये इटरेशन की वजह से अब एरे पे फोकस करेगा, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट खुद निकालेगा और जितने भी एलिमेंट हैं उनको वन बाय वन ट्रावर्स करके उसके ऊपर जो भी एक्शन हमने परफॉर्म करवाने हैं फॉर के लूप के अंदर रहते हुए वो एग्जीक्यूट करवा लेगा, ठीक है। तो यहाँ आके मेरे ख्याल में हमारा जो फॉर का लूप का एरिया है वो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी वहाँ प्रैक्टिकली देख ली, ये भी हम रिवर्स भी कर चुके हैं। इससे पहले कि हम अब फंक्शन डिस्कस करें, यहाँ फॉर के लूप के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज पूछ लें, मैं 1 मिनट तक वेट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। जी मैं वेट कर रहा हूँ, फॉर के लूप के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप प्लीज पूछ लें। चलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम शुरू करते हैं फंक्शंस को। देखिए फंक्शन हमारे लिए ना कोई नई चीज नहीं है, अभी ये जो हम कोड लिख रहे होते हैं करंटली जो भी हमने अभी तक काम किया है इसके अंदर भी हमारे पास कम से कम एक फंक्शन जरूर होता है, ठीक है, और वो फंक्शन होता है मेन का फंक्शन। ये जो हम कोड लिख रहे होते हैं वो आपने देखा होगा वो हम एफ एन मेन के अंदर लिख रहे होते हैं, एफ एन मेन के ब्लॉक के अंदर लिख रहे होते हैं ना, तो मेन भी एक फंक्शन है, उसका एक खास मकसद है। उसका मकसद क्या है कि ये जो हमारा रस्ट का प्रोग्राम होता है ये जब भी स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट होते साथ ही ये फाइंड आउट करता है कि कहाँ पे मेन नाम का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और ये फौरन उस मेन फंक्शन की पहली लाइन पे जाता है और वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो मेन नाम का फंक्शन जो है वो एक्चुअली रेस्ट के प्रोग्राम को स्टार्ट करने की चाबी होता है, ठीक है, वहां से आगे फिर प्रोग्राम का फ्लो या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो
एफ एन मेन तो ऑलरेडी हमें डिफाइंड मिल जाता है, या अगर हम बिल्कुल नोट पैड के अंदर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो वो हमें खुद से लिखना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो कोड, या अगर हम कार्गो न्यू करके कोई प्रोग्राम बनाएं तो वो एफ एन मेन ऑलरेडी हमें उसके अंदर बिल्ट इन बना के दे देता है, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन, चाहे वो मेन हो या कोई भी हमारा अपना डिफाइंड फंक्शन हो, यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, उसको डिफाइन करने के लिए आप उससे पहले एफ एन लगाते हैं। एफ एन का मतलब होता है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आगे आप फंक्शन का नाम देते हैं, और देन फिर उसकी कोड की बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो भी आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी होती है वो लिख देते हैं। रस्ट का जो स्टाइल है फंक्शन के नाम लिखने का और वेरिएबल के नाम लिखने का, वो है स्नेक केस। स्नेक केस क्या होता है कि आपने फंक्शन के नाम या वेरिएबल्स के नाम सारे के सारे स्नेक केस, या आप यूं कह लें कि स्मॉल कैप्स में देने हैं, ठीक है। और अगर आपने वेरिएबल के नाम में या फंक्शन के नाम में दो वर्ड्स दिए हैं तो आप उन वर्ड्स के दरमियान अंडरस्कोर दे के उनको एक दूसरे से जुदा करेंगे या उनसे थोड़ा सा अलग शो करेंगे। जैसे अगर हम एक फंक्शन बना रहे हैं और उसका नाम है एड नंबर, अब देखें एड एक अलग वर्ड है, नंबर एक अलग वर्ड है, तो जब हम फंक्शन का नाम रखेंगे ना एड नंबर, तो हम उसको लिखेंगे ए डबल डी स्मॉल में अंडरस्कोर नंबर NUMBER, ठीक है। इस तरह से ये मतलब फंक्शन का नाम ये बन जाएगा एड अंडरस्कोर नंबर, और ये सारे का सारा स्मॉल लेटर्स में होगा, लोअर केस में होगा। तो ये रस्ट की एक इख्तरा है कि आपने, कन्वेंशन है कि आपने जो वेरिएबल्स के और फंक्शंस के नाम रखने हैं वो इस तरह से स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं, और उसके अंदर जो वर्ड्स अगर होंगे तो वो सेपरेट करने हैं आपने अंडरस्कोर के साथ, ठीक है। तो ये खैर रस्ट वाली स्लाइड्स वाली एग्जांपल है, हम आदत के मुताबिक अपनी एग्जांपल से आगाज करेंगे। तो जनाब हम चलते हैं अपने कोड विंडो की तरफ, ठीक है। देखिए जी, फंक्शन है एफ एन मेन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेन का एक फंक्शन होता है। अब इसी तरह से हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि वो फंक्शन जब भी कॉल हो तो वो हमें बता दे कि आई एम इन फंक्शन बॉडी, ठीक है, और उसका नाम हम रख देते हैं कॉल। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाएंगे एफ एन कॉल, इसके आगे ये दो स्मॉल ब्रैकेट्स देंगे और आगे इस फंक्शन की बॉडी दे देंगे, ठीक है। हम चाह रहे थे कि जब भी ये फंक्शन चले तो ये हमें बताए इन फंक्शन, और आगे उसका नाम भी चले लिख देते हैं कॉल। तो हम कहते हैं जी प्रिंट एलन, क्या प्रिंट एलन करो, इन फंक्शन कॉल, ये देखें जी एक हमने फंक्शन बना लिया जिसका नाम है कॉल, और ये जब भी एग्जीक्यूट होगा तो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा इन फंक्शन कॉल, ये जो वर्ड हमने लिखे हुए हैं ये एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसे कॉल कराने का तरीका क्या है, आप मेन फंक्शन के अंदर सिंपल लिखें कॉल, और उसके आगे ये सेमी कॉलन डाल दें, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो ये पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा कि फंक्शन मेन कहाँ पे है, उसको ये फंक्शन मेन जहां भी मिलेगा उसकी बॉडी के अंदर वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर उसको पहली लाइन ही मिलेगी जो कह रही होगी कि कॉल नामी फंक्शन को चला दो। अब ये इस पूरी ये जो फाइल है इसके अंदर कॉल नाम का फंक्शन ढूंढेगा, वो इसको यहाँ से मिल जाएगा, वो इसके ब्लॉक के अंदर आके इसके पहले आगे ऑनवर्ड अगर एक से ज्यादा लाइंस होती है तो उन सबको एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा, और जब इसका ये ब्लॉक खत्म होगा सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो ये वापस आ जाएगा फंक्शन के अंदर। और फिर चूंकि इससे आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम इस प्रोग्राम को
को सेव करते हैं और देखते हैं कि जो हमने बिल्कुल प्यारा सा सादा सा छोटा सा फंक्शन बनाया जो कि एक लाइन प्रिंट कर रहा है, वो अगर चले तो कैसा चलेगा। इसको चलाने के लिए हम चाहते हैं जनाब अपने टर्मिनल पे कार को रन करते हैं। तो देखें ये चला और इसने प्रिंट किया इन फंक्शन कॉल और ये प्रोग्राम वापस एंड हो गया। अब क्या होगा कि फंक्शन का फायदा ये है, ये तो सिंपल एक लाइन की स्टेटमेंट है, ये हम यहाँ भी लिख सकते थे, कहाँ पे, ये जो मेन हमारा फंक्शन है इसके अंदर भी। लेकिन इससे नुकसान क्या होता, इससे नुकसान ये होता कि हमें जितनी बार भी ये वाली लाइन के इन फंक्शन कॉल, या हम यूं कर लेते हैं इसकी जगह हम लिख देते हैं वेलकम, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये किसी जगह पे हमने लगाया हुआ और वहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं, और जब भी कोई गेस्ट आता है तो ये उसको वेलकम कहता है। तो अगर हमने ये वेलकम वाली जो प्रिंट की स्टेटमेंट है ये अगर हमने अपने मेन कोड में लिखी होती तो अगर 100 मेहमान आ रहे हैं तो ये 100 बार ये वाला कोड एग्जीक्यूट होता तो कोई बात नहीं थी, खैर ये। क्योंकि 100 बार हमें वेलकम की लाइन ही लिखनी पड़ती ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सपोज ये जो वेलकम का जो फंक्शन है ये 100 मतलब एक बार कॉल हो तो ये 5-6 काम करता है, वेलकम टू अब देखिए ये जो वेलकम है ये हर बार जब भी कोई बंदा आता है तो ये 3 स्टेटमेंट चलती हैं। अब अगर 100 बार मेहमान आ रहे हैं तो क्या होगा कि ये 300 बार ये स्टेटमेंट हमें मेन के फंक्शन के अंदर लिखनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इसको कॉल किया, अगर हमें इसको दोबारा चलाना है तो हम दोबारा से कॉल लिख देंगे, फिर दोबारा चलाना है तो फिर दोबारा से कॉल लिख देंगे। अब देखिए हम जाके इसको चलाते हैं, सॉरी मैंने इसका पी कैप्स में डाल दिया, मैं लाइन सेट करके आ रहा हूँ वापस आप लोगों के पास। जी तो ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल एक बार मेहमान आया तो हमने वहां पे फर्स्ट टाइम कॉल लिखा था, सिर्फ कॉल लिखने से उसने वो पूरा कोड एग्जीक्यूट कर दिया, फिर दोबारा हमने कॉल लिखा तो उसने दोबारा से चला दिया, फिर दोबारा कॉल लिखा तो दोबारा से चला दिया। तो ये देखें इससे क्या फायदा हो रहा है कि ये फंक्शन बार बार यूज होने के काबिल हो गया। अब आप कह सकते हैं कि ये काम तो हम फॉर लूप या वाइल लूप लगा के भी कर सकते थे, तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर हम यहाँ पे फॉर का लूप 3 बार लगाते तो ये 3 बार चल पड़ता। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे ये लूप के अलावा भी, यानी कि इवन अगर मैं यहाँ पे 2 फंक्शन बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी एफ एन अदर, एक अदर फंक्शन हम बनाते हैं और वहां से हम इस कॉल को फिर से कॉल करवाते हैं, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे, सॉरी आप लोगों के पास शायद स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की हुई थी। ये देखें ये मैंने ये चेंज किया है कोड में, मैंने क्या किया था, मैंने पहले फंक्शन बनाया था उसके अंदर 3 बार कॉल किया था इस कॉल नाम के फंक्शन को, ठीक है, और वो हमने अभी चला के देखा था तो वो 3 बार कॉल हो रहा था। अब मैंने एक और फंक्शन बना लिया अदर के नाम से और उससे इसको कॉल करवाया कॉल को,
ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन में मैंने पहले 3 बार डायरेक्टली कॉल करवाया था कॉल नाम के फंक्शन को। अब मैं प्रिंट एलन करता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। और अब मैं यहाँ पे अदर के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। अब देखें क्या होगा, ये प्रोग्राम जब चलेगा ये पहले कॉल का फंक्शन एक बार कॉल करेगा, ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर दोबारा से मैंने कॉल करवाई तो दोबारा से एग्जीक्यूट होगा, फिर दोबारा कॉल करवाई दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर मैंने ये लाइंस जस्ट प्रिंट करवाई इसलिए कि आपको पता चल जाए कि इस लाइन के बाद हमने अदर नाम के फंक्शन को कॉल किया था, और अदर का नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, वो भी इसी कोड को रीयूज कर रहा है, इसने फिर से इसी कोड को कॉल किया। ठीक है, तो ये देखें अब ये 4 बार चलना चाहिए, 3 बार मेन के फंक्शन से कॉल के फंक्शन को चलाने की कोशिश की जाएगी, और 1 बार अदर को चलाएंगे और अदर का फंक्शन जो है वो इस कॉल के फंक्शन को दोबारा से कॉल करेगा। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं, वापस आते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दोबारा से अगर कोई इशू होगा तो मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको समझा दूंगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रही, समझ आ रही है तो वेरी वेल। तो देखिए हमने क्लियर किया, कार को रन किया, देखिए ये मैंने पहली बार जब फंक्शन मेन ने कॉल को कॉल किया था तो ये वाला प्रिंट हुआ, फिर सेकेंड टाइम मेन से कॉल को कॉल किया गया तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, तीसरी बार मेन से कॉल को कॉल किया गया तो ये वाली लाइन प्रिंट हुई, फिर मैंने यहाँ ये डैश प्रिंट करवाई थी जस्ट इस निशानी के लिए कि इसके बाद हमने अदर के फंक्शन को कॉल किया था और अदर के फंक्शन ने कॉल के फंक्शन को कॉल किया था। तो देखिए उसने फिर दोबारा से ये वाली लाइन सेम प्रिंट कर दी। ठीक है, वापस जाके कोड को देखते हैं, ये देखें ये डैश प्रिंट करने के बाद हमने एक्चुअली अदर को कॉल किया था तो कोड यहाँ ट्रांसफर हुआ था अदर के फंक्शन के अंदर, अदर के फंक्शन ने फिर से कॉल को कॉल किया था तो ये वाला कोड फिर एग्जीक्यूट हुआ था थ्रू अदर। तो अब देखें कि एक ही हमारा जो फंक्शन है वो मल्टीपल जगहों से अब यूज हो रहा है तो हमारा कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, हम अब इस कॉल वॉल को ना खत्म करके थोड़ा सा जरा प्रैक्टिकल समझ आने वाली चीजों की तरफ जाते हैं। फिर हम अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी या डेमो दिया था कॉलिंग के लिए, मैं कहता हूँ fn। अच्छा अब हम करने लगे हैं कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम कोई नंबर डिफाइन करते हैं, लेट नम कॉलन आई 8 इज इक्वल टू 100 कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है प्रिंटर, और प्रिंटर का काम है कि वो कुछ प्रिंट कर दे। ठीक है, अब उस कोड में जाने से पहले हम यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, वही हमारी तरह का काम किया भाई, इन्होंने प्रिंट एलन किया हेलो वर्ल्ड मेन फंक्शन के अंदर तो सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इन्होंने अदर फंक्शन को कॉल कर लिया, अनदर फंक्शन को, तो कोड यहाँ से अनदर फंक्शन में चला जाएगा, इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्रिंट एलन हो जाएगा अनदर फंक्शन और ये कोड एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो जब प्रोग्राम चलेगा तो ये पहले ये वाला हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ से प्रोग्राम का कंट्रोल जो है अनदर फंक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, अनदर फंक्शन के अंदर जो प्रिंट एलन की स्टेटमेंट लगी है वो एग्जीक्यूट होगी और अनदर फंक्शन प्रिंट होगा। उसके बाद जब ये फंक्शन खत्म होता है तो कोड वापस मेन के पास आएगा, मेन में चूंकि अनदर फंक्शन को कॉल करने के बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं थी तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो ये आएगा, हेलो वर्ल्ड पहले लिखा हुआ आएगा और फिर अनदर फंक्शन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसके बाद अब जो हम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट चेक करना चाह रहे हैं और शायद ये किसी हद तक आपकी असाइनमेंट रिलेटेड भी था, वो है फंक्शंस को वैल्यूज पास करनी एज ए पैरामीटर।
होता ये कि पहले जो हम फंक्शंस कॉल कर रहे थे वो सादी सादी कॉल्स आ रही थी कि बस हम अपने प्रोग्राम से फंक्शन को कॉल करते थे, तो उस फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होती थी वो एग्जीक्यूट होती थी और वो बात खत्म हो जाती थी। अब हम चाह रहे हैं कि हम फंक्शन को कॉल तो करें लेकिन कॉल करते हुए उस फंक्शन को कोई वैल्यू भी भेजें और वो फंक्शन उन वैल्यूज के ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करके हमें बताए। ठीक है जी, ये होगा अब हमारा मकसद। किस चीज का मकसद? फंक्शन मानेगा कि अब हम फंक्शन में क्या करेंगे कि फंक्शन में कोई वैल्यू पास करेंगे, तो वैल्यू पास करने के बाद उस वैल्यू पे कोई ऑपरेशन करवाएंगे। अब हम जाते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि हम वैल्यूज कैसे पास करवाएंगे फंक्शन के अंदर। देखें जी, हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमने एक नंबर, एक नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया जिसकी वैल्यू हमने रख दी 100, और हम चाह रहे हैं कि हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाएं लेकिन प्रिंट थ्रू फंक्शन हो। तो हमने क्या किया, फंक्शन बनाया प्रिंटर का, और हमने कहा कि इस प्रिंटर नाम के फंक्शन को जो भी कॉल करेगा वो तो कॉल करते हुए ना इसको कोई वैल्यू देगा। ठीक है, और वैल्यू होगी इंटीजर टाइप की, तो हम कहते हैं कि इसको कोई वैल्यू मिलेगी माई वेल, इसकी टाइप होगी i8। और आपने क्या करना है, इस फंक्शन ने जो भी इसको वैल्यू मिलेगी माई वेल के नाम में उसको प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो हमने एक फंक्शन बना लिया जिसको कोई वैल्यू पास हो रही है। वैल्यू पास करने के लिए जो फंक्शन के जो ये ब्रैकेट्स होती हैं स्मॉल वाली, इसके अंदर आपने जो वैल्यू पास करनी होती है ना, वो जिस नाम से आगे फंक्शन के अंदर आप यूज करना चाह रहे हैं उस वेरिएबल को वो लिख देते हैं और आगे उसकी टाइप दे देते हैं। और ये टाइप देना बहुत जरूरी है, अगर आप टाइप ना दें तो आपका ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, कंपाइल नहीं होगा। हमने एक प्रिंटर नाम का फंक्शन बनाया और हमने कहा कि इस प्रिंटर को जो भी कॉल करेगा प्रिंटर नाम के फंक्शन को वो कोई वैल्यू देगा, वो वैल्यू अपने माई वैल नाम के वेरिएबल में सेव करनी है। और सेव करने के बाद आपने, इसकी टाइप i8 होगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि उस माई वैल नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू आई है उसको आपने प्रिंट करवा देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमने एक नंबर नाम का वेरिएबल मेन फंक्शन में बनाया और हमने प्रिंटर को कॉल किया। पहले हम सिंपल ऐसे लिख देते थे, अब हमें चूंकि वैल्यू पास करनी है तो हम यहाँ पे वो वैल्यू या वो वेरिएबल दे देंगे जो कि हम आगे भिजवाना चाह रहे हैं। तो पहला हम काम ये करते हैं कि हमने इसको नम नाम का वेरिएबल ही भिजवा दिया। ठीक है, अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि एक नंबर का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसका प्रिंटर का फंक्शन कॉल होगा और उसको नम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है जो कि इसके 100 है, वो 100 की वैल्यू पास हो जाएगी प्रिंटर के फंक्शन को। तो वो जो 100 की वैल्यू है वो आके स्टोर हो जाएगी माई वैल नाम के वेरिएबल में, और फिर इस फंक्शन के अंदर प्रिंट एलन हो जाएगा, प्रिंट एलन की स्टेटमेंट चलेगी जो कि प्रिंट करेगी द वैल्यू इज, और आगे माई वैल की जो भी वैल्यू उसको पास हुई है वो प्रिंट होगी। ठीक है, इस प्रोग्राम को भी हम चला के देखते हैं कि क्या करते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको 100 पास किया था तो इसने प्रिंट कर दिया वैल्यू इज 100, सॉरी कमांड विंडो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ जी। ये देखें, इसने प्रिंट कर दिया द वैल्यू इज 100। क्लियर करके दोबारा चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, द वैल्यू इज 100 प्रिंट हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम वापस चलते हैं कोड में और यहाँ पे इस फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं और इस पर वैल्यू हम बाय हैंड देते हैं। हम कहते हैं प्रिंटर 20। ठीक है, पहले हमने इसको 100 पास किया एक बार और फिर दोबारा से इसी फंक्शन कॉल किया और उसको 20 वैल्यू पास की।
एक बार फिर कॉल कर लेते हैं। प्रिंटर 50। देखिए हमने तीन बार कॉल की, हमने एक नम वेरिएबल बनाया और एक बार हमने नम के थ्रू कॉल किया, फिर हमने एक सिंपल वैल्यू दी 20, फिर कॉल किया और अब की बार हम एक एक्सप्रेशन देते हैं नम प्लस फाइव। देखिए हमने तीन बार सेम फंक्शन को कॉल किया, एक बार सिंपल वेरिएबल दे दिया इसको एज ए पैरामीटर, अगली बार एक हार्ड कोडेड वैल्यू दे दी 20, और तीसरी बार फंक्शन प्लस फाइव एक एक्सप्रेशन बना के वो इसको पास ऑन करवाई। अब इसको चला के देखते हैं कि ये हमें किस तरह के रिजल्ट देता है और क्या आउटपुट सामने आती है। चलते हैं अपने कमांड विंडो में। देखें पहली बार उसने नम जिसके अंदर वैल्यू 100 पास हुई भी थी उसको प्रिंट कर दिया फंक्शन ने, फिर दूसरी बार हमने 20 हार्ड कोडेड वैल्यू के साथ इसको कॉल किया था तो उसने द वैल्यू 20 कॉल मतलब प्रिंट करवा दी, तीसरी बार हमने उसको एक्सप्रेशन दी थी कि नम प्लस 5, नम की वैल्यू थी 100, 100 प्लस 5 इक्वल टू 105 हो गया, तो इसको 105 प्रिंटर के नाम के फंक्शन को पास ऑन हुई और उसने डिस्प्ले कर दिया द वैल्यू इज 105। वापस आते हैं कोड पे। यहां तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछ ले। जो अभी तक हमने काम किया ना पैरामीटर वगैरह पास किए, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए वरना हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हम फंक्शन के अंदर कोई एग्जीक्यूशन कैसे करवा सकते हैं। अभी तो हम सिंपल प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि हम दो नंबर ले लेते हैं, एक नम वन और एक नम टू। नम वन की वैल्यू हमने ले ली सपोज 100 और नम टू की वैल्यू ले ली हमने 10। अब हम चाह रहे हैं कि हम एक फंक्शन बनाएं, इसका काम हो fn add, ये दो वेरिएबल ले, ठीक है, ए i8 और बी i8, यानी कि पिछला जो हमारा ये जो पुराना फंक्शन था ये एक पैरामीटर लेता था, ठीक है। अब जो हम फंक्शन बना रहे हैं ये एट अ टाइम दो पैरामीटर ले और उसके बाद क्या करें, प्रिंट कर दें इन दोनों का मजमुआ, यानी उनको ऐड करें और फिर प्रिंट कर लें। देखिए हमने एक फंक्शन बनाया जो क्या कर रहे हैं कि दो वैल्यू ले रहे हैं, दो पैरामीटर ले रहे हैं और उस पर प्रिंट कर रहे हैं, इन दोनों को जमा करके जो भी रिजल्ट निकलता है उसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है जी।
देखिए हमने मेन में क्या किया, मेन में हमने ये किया कि हमने दो नंबर डिफाइन किए, नम वन जिसकी वैल्यू हमने 100 दे दी, नम टू जिसकी वैल्यू हमने 10 दे दी। ये देने के बाद हमने पहले प्रिंटर को भिजवाया नम वन। तो नम वन जब प्रिंटर के पास पहुंचेगा तो वो उस नम वन को प्रिंट कर देगा जो भी वैल्यू उसके पास आई है। फिर हमने प्रिंटर को भिजवाया नम टू, तो प्रिंटर फंक्शन जो है वो नम टू को जो भी उसने मतलब जो नम टू की वैल्यू हमने प्रिंटर फंक्शन को पास की है उसको वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद हमने ऐड की फंक्शन को कॉल किया। ऐड की फंक्शन को हमने नम वन और नम टू दोनों भेज दिए। दो वेरिएबल आपने भेज दिया तो उसका एक तरीका होता है कॉमा करके, एक वेरिएबल भेज दो तो ये आपके सामने एग्जाम्पल आ रही है। ठीक है, दो वेरिएबल भेजते हो तो आपके सामने ये एग्जाम्पल आ रही है। ठीक है, तो हमने इस बार क्या किया कि दो वेरिएबल भेजे, इसी तरह तीन भेजने होते तो हम कोमा लगा के यहाँ पे तीसरी वैल्यू दे देते। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमने ऐड के फंक्शन को कॉल किया और उसको नम वन और नम टू एज ए पैरामीटर भिजवा दिया। अब ऐड के फंक्शन में क्या होगा कि ये यहाँ पे दो वेरिएबल रिसीव करेगा। पहले वेरिएबल को ए नाम के वेरिएबल में सेव कर देगा, दूसरी वैल्यू को बी नाम के वेरिएबल में सेव कर देगा, जो इसको वैल्यूज पास ऑन हुई है ना पीछे से मेन के फंक्शन से, उसमें से पहली वैल्यू को ए में डाल देगा, दूसरी वैल्यू को बी में डाल देगा। उसके बाद ए और बी को प्लस करेगा आपस में और जो भी रिजल्ट होगा उसको प्रिंट एलन कर देगा। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। चलते हैं अपने टर्मिनल विंडो में। तो देखें कि पहले प्रिंटर की स्टेटमेंट कॉल हुई थी, उसे नम वन प्रिंट किया तो उसने बताया कि द वैल्यू इज 100। फिर नम टू के साथ प्रिंटर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई तो उसने कहा द वैल्यू इज 10। और अब यहाँ पे ऐड का फंक्शन कॉल हुआ तो उसने कहा द एडिशन रिजल्ट टेल्स, हमने इसको नम वन और नम टू पास किए थे तो 100 प्लस 10 110, तो उसने 110 प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम बनाना चाहें, एक फंक्शन बनाना चाहें कि जो सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए हम इसी कोड में हल्की सी मॉडिफिकेशन लाएंगे। ठीक है, और इस फंक्शन को कॉपी करेंगे, देखिए अब हमने एक और फंक्शन बना लिया, ऐड वाला फंक्शन तो इधर ही है। हमने एक सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन बना लिया और उससे कहा कि ये भी इसी तरह से दो वैल्यू लेगा और उनको माइनस करेगा पहली में से दूसरी वैल्यू और देन उसका रिजल्ट प्रिंट कर देगा। अब हम यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं SUB को भी। और अब इसको हम चला के देखते हैं, इसके बाद मैं आपसे अभी क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन रख लूंगा ताकि अगर कोई कंफ्यूजन आपके जहन में अभी भी है तो हम दूर कर लें। देखिए अब एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन में हमने कॉल करवा लिया था तो उसने 100 में 10 जमा करके एडिशन रिजल्ट दे दिया 110 और 100 में से 10 माइनस करके सब्ट्रैक्शन रिजल्ट दे दिया 90। ठीक है, ये आपके सामने कोड आ रहा है। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही फंक्शन में पैरामीटर पास करने के हवाले से तो प्लीज पूछ लें। जनाब मुझे ये एहसास हो रहा है कि या तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा या फिर सब कुछ समझ आ रहा है। तो अगर तो सब कुछ समझ आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ओके फाइन, अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो फिर ऐसा है कि अब हम लेने लगे हैं 5 मिनट की ब्रेक।
और 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम 10:35 पे सेशन को दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आज के सेशन का आखिरी हिस्सा हम जो है कवर करेंगे। हमने देख लिया, सबसे पहले हमने आज के सेशन के शुरू में हमने देखा था फॉर का लूप। उसके बाद सेकेंड हिस्से में हमने देखा फंक्शंस, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, और फिर हमने देख लिया कि फंक्शंस के अंदर पैरामीटर कैसे पास करते हैं। अब इसके अंदर एक आखिरी हिस्सा रह गया है कि फंक्शन में से वैल्यू रिटर्न कैसे करवाते हैं, यानी कि मेन ने फंक्शन को कॉल किया, जिस फंक्शन को कॉल किया अब वो मेन को वापस कोई वैल्यू भेजना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार होगा। ठीक है, ये हमारे फंक्शन के हवाले से आखिरी चीज़ है जो आज हमने कवर करनी है, लेकिन जो कि हमारे सेशन का जो 40 मिनट्स वाला जो टाइम होता है वो कम्प्लीट होने वाला है। तो हम 10:35 पे यहीं से आगाज करेंगे। तब तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है फंक्शंस के हवाले से तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर हम कंटिन्यू करेंगे और फंक्शन से वैल्यू वापस रिटर्न करवाने का जो तरीका है ना वो देख के आज का जो सेशन है वो कंक्लूड कर देंगे। तो मिलते हैं एक 5 मिनट की ब्रेक के बाद, तब तक के लिए इजाज़त, सलाम अलैकुम।